शक्तिपीठ ज्वालामुखी में सावन अष्टमी नवरात्रि मेले आज मंगलवार से शुरू हो गए हैं। मंदिर में प्रतिदिन की तरह पूजा पाठ व आरती की गई, पर मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं व स्थानीय निवासियों के लिए बंद रहे। ज्वालामुखी में पिछले 4 माह से मंदिर के कपाट कोविड महामारी के कारण बंद रहे, लेकिन मंदिर प्रशासन द्वारा प्राचीन परंपराओं को निभाते हुए विधायक रमेश धवाला द्वारा कन्या पूजन कर नवरात्रों का आगाज किया गया। हालांकि आज हल्की बारिश भी होती रही। इन नवरात्रों में मां के जयकारों से दरबार नहीं गूंजा, सभी रस्म शांतिपूर्ण ढंग से निभाई गई और माता ज्वाला का विशेष पूजन किया गया। इस अवसर पर पुजारी अवनेन्द्र शर्मा ने सभी को सावन अष्टमी नवरात्रों की बधाई दी और बताया कि ज्वाला माता की विशेष पूजा अर्चना की गई और माता से कोरोना महामारी के नाश के लिए प्रार्थना की गई। सावन की अष्टमी के नवरात्रे आज से आरंभ हो रहे हैं। मैं हिमाचल वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, ज्वालामुखी के निवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और माता दुर्गा से ये हम सभी ये निवेदन करते हैं कि ये पूरे विश्व में जो महामारी फैली हुई है इससे निजात मिले, सभी लोग जो हैं स्वस्थ रहें, खुश रहें। लेकिन कुछ दिनों से लोग बड़े हताश हैं, निराश हैं। मंदिर जो है वो बंद है, दुकानें जो हैं वो बंद हैं, तो इसलिए थोड़े ही दिनों में मंदिर भी खुल जाएगा और लोगों की दुकानें भी खुल जाएंगी। किंतु कुछ लोग जो हैं वो जो कोरोना से पीड़ित हैं, वो जब बाहर से आ रहे हैं तो इसलिए ये जो प्रतिबंध लगाया है वो प्रतिबंध जो है वो माननीय मुख्यमंत्री से भी हमने ये गुजारिश की है कि मंदिर जो हैं वो खोले जाएं। उज्जवल हिमाचल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।